प्रेम प्रस्ताव ठुकराने के बाद रिंटू शर्मा नामक एक युवक के हमले में बुरी तरह घायल धेमाजी की मेधावी छात्रा नंदिता सैकिया ने आखिरकार जिंदगी की जंग में हार मान ली। 5 दिन तक नंदिता जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आज डिब्रूगढ़ के एक निजी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। दरअसल प्रेम प्रस्ताव ठुकराने से गुस्साए रिंटू शर्मा नामक आरोपी ने धेमाजी के मरिधल कॉलेज की छात्रा नंदिता सैकिया के सिर पर बीते शनिवार को दांव से हमला कर दिया था और इस घटना का वीडियो भी इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें युवक खुद वारदात की बात स्वीकार करता हुआ दिखा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी रिंटू शर्मा का परिवार शादी का प्रस्ताव लेकर नंदिता के घर भी गया था, लेकिन उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आरोपी ने पीड़िता की सहपाठी पर भी हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तो एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, धेमाजी के मरिधल कॉलेज की जो मेधावी छात्रा है, आज उसने जिंदगी की जंग हार गई है। वो रिंटू शर्मा नामक एक युवक ने उस पर बुरी तरह हमला कर दिया था, जिसमें वो घायल हो गई थी। नंदिता सैकिया ने आखिरकार जिंदगी की जंग हार मान ली है और 5 दिन तक नंदिता जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आज डिब्रूगढ़ के एक निजी अस्पताल में उसने आखिरकार दम तोड़ दिया है। प्रेम प्रस्ताव ठुकराया था और जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। रिंटू शर्मा नामक इस आरोपी ने छात्रा नंदिता सैकिया के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था और जिसके बाद 5 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच वो झूलती रही और आखिरकार उसने आज निजी अस्पताल में, डिब्रूगढ़ के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। अभी 1 बजे करीब नंदिता सैकिया का डेथ हुआ है, तो हम लोगों का पूरा टीम सब लगा हुआ था। काफी कोशिश किया गया हम लोग के तरफ से लास्ट 2 दिन से, लेकिन उपाय नहीं था। फाइनली उनका वो हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट होके वो एक्सपायर किया गया। और इधर मेधावी छात्रा की मौत से धेमाजी के मरिधल कॉलेज में शोक की लहर है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने घटना के विरोध में प्रदर्शन भी किया। নন্দিতা ককায়েকো আমাক টেলিফোনিকভাৱে জনাইছে যে নন্দিতা ইতিমধ্যে ইউ সংস্থাৰ পৰা তেওঁ মেলানি মাগিছে। গতিকে আমি খবৰটো পাই অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। আমাৰ পৰিয়ালে আমি সমবেদনা জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াসকল ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে। শিক্ষক গোটৰ আমি 10-12 শিক্ষক ইতিমধ্যে আমি যাবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হ'বৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত যিখিনি প্ৰশাসনিক কাম কাজ আছে, সেই কাম কাজখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত আমি তেওঁৰ যিটো দেহ, বিদেহী দেহ, সেই দেহটোক আমি লৈ আনি আমি মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত আমি শেষ শ্ৰদ্ধা অৰ্পণ কৰিম। তাৰ পাছতেই আমি সৰল বলে তেওঁ নিজ গৃহলৈ তেওঁ দেহটো আমি লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা, মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। और इधर छात्र संगठन आसू ने भी घटना की निंदा करते हुए फास्ट ट्रैक अदालत में मामले की जांच कराए जाने की मांग उठाई है। एगारी प्रतिभावान छात्री आम अकाल हेरासूँ आम छात्र संघा अति मर्माहत। आम एज दुर्बृत दिन दुबरते छात्रीगढ़ मैं खेती खेती गई आक्रमण करें। गए आम दबी हल दुर्बृत जाते आईनों शुंगा जो हारि ना कठोर पर कठोर शास्ति पाए, যাতে ভৱিষ্যত নাযায় এনেকুৱা ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, তাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ।